तो फ्रेंड्स हमारे साथ एक और स्टूडेंट है 28 अक्टूबर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बैच के, अपना नाम बता दीजिए। जी मैम, मेरा नाम मणिकंदन है, मैं तमिलनाडु से। कौन से, सॉरी कितने साल से काम कर रहे हो सर? मैं काम कर रहा था ऐसे ही, चार्जर वगैरह बेच देता है, दुकान तो है हमारा, पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम मुझे नहीं पता। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आईसी लगाना निकालना प्रॉपर आता नहीं है आपको? नहीं आता नहीं था, आता नहीं, आता नहीं था। अब चार दिन यहाँ पर हो चुका है, अब चार दिन का एक्सपीरियंस बता दो। जी यहाँ आके कुछ मुझे कॉम्प्रेस वगैरह पता लगा, मोबाइल में जो पीसी में जो स्पेयर पार्ट्स लगा होता है उसके बारे में कुछ जानकारी है अभी। सारे कंपोनेंट चेक कर लोगे अभी? हाँ अभी सर, मोबाइल के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं सारे चेक कर लोगे? हाँ जी सर। सबकी नॉलेज है आपको? नॉलेज आपने बताया जैसे, हाँ जैसे मुझे पता लगा। अच्छा ये बता दो, आपको आईसी रिबॉलिंग आती है? जी सर, मैं पहले नहीं करता था, आपने अच्छी तरह से सिखाया और मुझे आईसी लगाना निकालना आपको आता है अभी? कैसे रिबॉलिंग करिए, कैसे बोर्ड से निकालना, कितना हीट लगाना, जो भी है आपने समझाया जैसे वैसे मैं किया, अब ऑन हो गया बोर्ड। हाँ अभी आपने इस सेट में क्या किया बता दो? ये डिस्प्ले खराब है, ये बोर्ड मैंने ऑन करके रखा हुआ। हाँ इसका क्या किया आप इसमें बता दो सर? ये पहले ऑन नहीं हो रहा था, मैं बोल करके इसको निकाल के फिर दोबारा लगाया जैसे आपने बताया, फोन ऑन हो गया। ये देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं इसका डिस्प्ले नहीं है बट इसका कीपैड का लाइट सारा अच्छे से जल चुका है और ये बिल्कुल आईसी पे काम कभी नहीं करते थे और यहाँ पर चार दिन हो चुका है इनको आईसी रिबॉलिंग, सीपीयू रिबॉलिंग, ईएमसी रिबॉलिंग सारा। अभी आपको अच्छे से आता है ना अभी रिबॉलिंग वगैरह? हाँ सर। ठीक है, क्या कहना चाहोगे अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ के सीखना चाहता है? सर आपने जैसे आपने पूछा था, या मैं आगे देख रहा हूँ मेरे साथ वो भी स्टूडेंट है, वो 10 साल, वो 8 साल, 9 साल एक्सपीरियंस है, वो भी आगे सीख रहे हैं। जो नए स्टूडेंट है उनका भी एक्सपीरियंस जॉब, वो सीख रहे हैं तो नए आदमी तो वो भी कुछ अच्छा, वो 10 साल से सीख रहे हैं जो, उनको भी कुछ नहीं पता तभी तो आगे सीख रहे हैं। नए स्टूडेंट तो आएंगे तो उनका भी एक्सपीरियंस कुछ बढ़ेगा ना। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, वो लोगों ने भी सारों ने क्या किया है सीपीयू निकाल के? कोई स्टूडेंट से मिला, मैं उनसे बात किया, वो कह रहे थे 8 साल, 9 साल, 10 साल, यहाँ तो 12 साल तक जो काम करते हैं वो भी आगे सीख रहे हैं, उनको कुछ नॉलेज नहीं है तभी तो आगे सीख रहे हैं ना। अगर पहले आ जाते अगर से तो 10 साल पहले आ जाते हैं अगर से, उनका उनके बिजनेस में और भी उनको बेनिफिट हो जाता और सेट्स रिटर्न नहीं जाते नहीं सर, है ना। अभी आपको कैसे लग रहा है? जैसे आप पहले काम करते थे चार्जिंग कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर निकाल लेते थे, अभी आप आईसी लेवल पे काम कर रहे हो और पूरी प्रॉपर नॉलेज है, अब और पहले में कितना अंतर लग रहा है आपको? सर मैं अब जैसे 2 घंटे 3 घंटे में काम रिपेयर में करूंगा, अब तो मैं 10-15 मिनट में करके ना कोई भी काम दे सकता हूँ। अब क्या ज्यादा सेट रिटर्न जाएंगे आपके? नहीं सर, हाँ जाएंगे। हाँ अभी प्रॉपर नॉलेज आपको हो चुका है और हमारे पास पूरा महीना अभी बाकी है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। हाँ सर आप मुझे ऐसे बनाओगे ना कुछ टेक्निक, मैं कह सकूँ अपने शहर में जाके मैं बनाऊंगा सर। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स हमारे साथ एक और स्टूडेंट 28 अक्टूबर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बैच के, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशिकांत है। कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मैं साल भर से काम कर रहा हूँ। साल भर से कर रहे हो, अच्छा ये बता दीजिए कितने दिन हो गया आज आकर के यहाँ पर आप? मैं 28 अक्टूबर के बैच का हूँ और मुझे आज 5वां दिन हो गया। 5वां दिन शुरू हुआ है अभी, है ना? सुबह की 8 बजे वाली क्लास चल रही है हमारी और 4 दिन की क्लास हो चुकी है। क्या क्या सीखे हो आप 4 दिन में बता दीजिए? मोबाइल के किसी भी भाग का कंपोनेंट जो भी है इसका पूरा चेकिंग आपको आ चुकी है और आप देख के पहचान लोगे हर कंपोनेंट। और क्या क्या सीख चुके हो आप आईसी लेवल में? क्या क्या सीखे हो आईसी लेवल में? आईसी को रिवॉल्व करना, प्रिंट आउट को रिवॉल्व करके प्रेस करके फिर आपको सीपीयू निकालना लगाना ऑन सेट में जी। हाँ अभी आप कर लोगे ऑन सेट में भी सीपीयू निकाल के? अच्छा अभी इस सेट में क्या किया आप बता दीजिए? इस सेट में सर सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व करके फिर से इसको पेस्ट किया। ऑन हुआ है सेट आपका? ठीक है चलिए ऑन करके बता दीजिए। देखिए फ्रेंड, जैसा कि ये अभी इसका देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसके डिस्प्ले में कुछ दिक्कत है बट इनका सेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी मशीन में यहाँ पर वाइट डिस्प्ले आ रहा है लेकिन इनका सेट ऑन हो चुका है। और ये बता दीजिए अभी कैसा लग रहा है आपको सेट ऑन होने के बाद? अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? ये देखिए इसमें ग्राफिक भी आ चुका है, थोड़ा डिस्प्ले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, नंबर वगैरह देख सकते हैं आप। तो अभी पहले से आपको कैसा लग रहा है? 1 साल पहले आप काम करते थे और 4 दिन क्लास होने के बाद? मुझे पहले आईसी की एकदम कुछ जानकारी नहीं थी और यहाँ और मैं विगत 2 दिनों से काफी आईसी पे प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ। और सर यहाँ के काफी कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं तो सबसे
आईसी के बारे में एकदम नथिंग जानता था। आपने बहुत ही मेहनत की है और फाइनली आपका सेट ऑन भी हुआ है, है ना? क्योंकि जो इंसान जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसका हाथ उतना अच्छा होता है काम में, उतना ज्यादा वो परफेक्ट बनते जाता है। परफेक्ट कोई नहीं होता है, बट हम अच्छा एक टेक्नीशियन बन सकते हैं बार बार प्रैक्टिस करने से, है ना? तो आप ये बता दीजिए जो आने वाले स्टूडेंट है उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूंगा कि आप कितना भी साल से मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो ये डिपेंड नहीं करता है। फुली अगर स्पेशली आपको परफेक्ट होना है, परफेक्ट क्या है, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो एक बार एशिया टेलीकॉम में विजिट जरूर करें और देखें और अपने नॉलेज को तुलना करें कि मैं क्या जानता हूँ। और यहाँ के सर बहुत कोऑपरेटिव टाइप के हैं और आपको किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो बेझिझक उनसे एक बार नहीं आप 10 बार उनसे पूछ सकते हैं और सर काफी कोऑपरेट एक एक बच्चों के ऊपर करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एक बार इनके लिए क्लैप्स कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। वो जो जिसका वो अंदर का ट्रैक, उसका सप्लाई ट्रेसिंग, उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तुम बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखें तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। ये अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छी तरीके से। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ। मोबाइल में कुछ लाइक डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो आईसी लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं, कुछ डिफरेंट जो वाट पेंटिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से, ऐसी ऐसा सिग्नल करते, वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम। तो यहाँ पर आपको मिला? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, है सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10 टक्के लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल सारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.